हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ट्रस्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके बीएड फर्स्ट ईयर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो रहेगा कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। और ये वाला जो टॉपिक है आपके टीचिंग एंड लर्निंग पेपर में एक फर्स्ट यूनिट का ये मान लो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो आपको क्या है लगभग हर बार एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम अच्छे तरीके से समझेंगे कि टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसके जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग की। टीचिंग इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एजुकेशन एंड इज़ अ स्पेशल फंक्शन टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। हम समझने की कोशिश करते हैं कि टीचिंग है क्या। ये एक ऐसा मीडियम है एजुकेशन का, एक ऐसा पार्ट है जिसका एक स्पेशल फंक्शन होता है। वो फंक्शन क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें अंडरस्टैंडिंग और जो स्किल है उनको डेवलप करना, यानी कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है और जो स्किल है वो हम टीचिंग के थ्रू क्या है डिवेल्प कर सकते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल टीचिज और इंस्ट्रक्ट अदर्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल क्या करता है दूसरे इंडिविजुअल को क्या है गाइड करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है और उसे टीच करता है। टीचिंग इज़ एन इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स अ टीचर टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट कंटेंट एंड इंगेज द स्टूडेंट्स। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें क्या है जो एक इंटरेक्टिव है, मतलब इंटरेक्शन चलता रहता है, और डायनेमिक एक्टिविटी है जिसमें क्या है कि एक टीचर को ये उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने कंटेंट को इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करे ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को हम ब्रॉड कर सकें, उसको डिवेल्प कर सकें, और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या है अपने साथ इंगेज करें और एक स्टूडेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट है वो क्या है लर्निंग के लिए क्रिएट करें। इसके बाद हम देखते हैं आगे। टीचिंग इज नॉट मियरली द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, इट इज़ एन आर्ट एंड अ साइंस दैट इन्वॉल्व्स फॉस्टरिंग एन एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लोर क्वेश्चन एंड डिवेल्प देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। अब ये कहता है कि जो टीचिंग है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हमने क्या है नॉलेज को ट्रांसमिट कर दिया, हमने अपना लेक्चर आए लेक्चर डिलीवर कर दिया, इतना ये सिर्फ क्या है टीचिंग का प्रोसेस नहीं है। टीचिंग क्या है ये एक तरीके की आर्ट है, एक तरीके का साइंस है जिसके थ्रू क्या है हमें कैसा इन्वायरमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें स्टूडेंट क्या है एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्या है पहले से बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जब मर्ज हो जाती है तभी हम टीचिंग को इफ़ेक्टिव बोल सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ एक जो इसकी डेफिनेशंस हैं। एच सी मॉरिसन ने क्या कहा है टीचिंग के बारे में, टीचिंग इज़ एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मोर मेच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मेच्योर वन। एलेस मेच्योर वन था यहाँ पर। और बीओ स्मिथ क्या कहते हैं, टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। तो ये आप एक या दो डेफिनेशंस इसमें क्या है जरूर ऐड कर देना। अब हम देख लेते हैं जो मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है वो कौन कौन से है। तो फर्स्ट है हमारे सामने प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेटनेस ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि इसमें क्या है टीचिंग में क्या है डेफिनेट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। टीचिंग शुड स्टार्ट विद डिफाइनिंग एम एंड ऑब्जेक्टिव, द टीचर एंड स्टूडेंट मस्ट बी क्लियर अबाउट द गोल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग, इट हेल्प देम टू बी ऑन द ट्रैक। व्हेन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन्स आर डिटरमाइंड प्रॉपरली इट विल हेल्प द टीचर टू प्लान एग्जीक्यूट एंड इवेल्यूएट द फेजेज ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो जब हम बात करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की तो इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि जो इसके डेफिनेट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स है वो होने चाहिए। टीचिंग क्या है शुरू ही इसी बात से होनी चाहिए कि जब हम क्या है जो हमारे टीचिंग के एम्स और जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको क्या है क्लियरली डिफाइन कर लें। इसका एक फ़ायदा ये रहता है जब गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है पहले से हम डिटरमाइन कर लेते हैं तो उसके बाद जो टीचर है क्या है वो अपना लेक्चर है उसको प्रॉपरली प्लान कर पाता है, प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाता है और उसको अच्छे तरीके से क्या है इवेल्यूएट कर पाता है, और इससे क्या है जो स्टूडेंट्स हैं वो भी और अच्छे तरीके से क्या इसमें इंगेज हो पाते हैं। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इज चाइल्ड सेंटर्डनेस अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि NCF, द स्टूडेंट्स आर द एक्टिव पार्टिसिपेंट एंड टीचर्स आर द फैसिलिटेटर्स, सो द टीचिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स नीड एबिलिटी इंटरेस्ट एंड टीचिंग शुड बी एक्टिविटी बेस्ड सो स्टूडेंट कैन लर्न विद द एक्टिव पार्टिसिपेंट।
ये बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रिंसिपल है। जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है, वो उसके सेंटर में चाइल्ड रहता है, बच्चा रहता है, स्टूडेंट रहता है, वो उसी पर फोकस करता है। जो NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो भी इसी बात पर जोर देता है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली क्या है, पार्टिसिपेट करें, और टीचर है वो एज अ फैसिलिटेटर, एज अ गाइड क्या है, वर्क करें। उसका जो रोल है एज अ गाइड का, उनको जो स्टूडेंट्स उनको गाइड करने का होना चाहिए। तो टीचिंग क्या है, जो टीचिंग है वो भी क्या है, फिर जो स्टूडेंट है उसकी नीड्स, एबिलिटीज़ और उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारा एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल इसमें रहता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग प्रोविजंस फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये एक बहुत समझने वाली चीज़ है और अच्छी बात है। यानी कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें क्या है कि हमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसके लिए प्रोविजंस बनाने बहुत ज़रूरी है। ये आप चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट जो आपका पेपर है उसमें भी आप पढ़ते हो कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो क्या होते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो हर एक बच्चा है वो क्या है, दूसरे से डिफरेंट होता है। सभी का IQ लेवल हो गया, या फिर उनमें फिजिकली या मेंटली क्या है डिफरेंसेस है वो देखने को मिलते हैं। इवन ट्विंस हैं वो भी 100% क्या है सेम नहीं होते। इसलिए क्या है, उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए क्या है, हमें जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो उसके लिए जो भी प्रोविजन्स है वो बनाने चाहिए, ताकि जो हर एक स्टूडेंट है वो क्या है, इससे क्या है पॉजिटिवली इफ़ेक्ट हो पाए, अपना प्रॉपरली क्या है वो अपनी प्रॉपर ग्रोथ है वो कर पाए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद एक्चुअल लाइफ। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, द लर्निंग शुड गो बियॉन्ड द फोर वॉल्स ऑफ द स्कूल, टीचिंग शुड बी लिंक्ड विद द रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ द एवरीडे लाइफ। NCF क्या कहता है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 में आया था, इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो लर्निंग है वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल की चार दीवारी के बीच तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यानी कि लर्निंग तभी इफ़ेक्टिव मानी जाएगी जब उसका क्या है, जब वो क्या है टीचिंग को क्या है हमारी रियल लाइफ से क्या है लिंक कर देगी। अगर उसका हमारी रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है तो ऐसी जो टीचिंग है वो इन इफ़ेक्टिव हो जाएगी और उसका क्या है कोई भी जो यूज़ है वो नहीं रहेगा। इसलिए क्या है कि जो टीचिंग है उसको हमें एक्चुअल लाइफ से लिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ द फ्लैक्सीबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। टीचिंग स्ट्रेटजी मस्ट बी फ्लैक्सीबल, इट नीड्स टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू द क्लासरूम सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो स्मूथ होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिजिड हो, बस कुछ एक रूल्स है उनको फॉलो करते जाएं। ये क्या है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस क्या है इसमें चेंज होने चाहिए, चेंज जो हो सकते हैं वो होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। यानी कि जो टीचिंग है इसमें क्या है, जो स्ट्रेटजीज है वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, और वो क्या है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, यानी कि उनका जो इंटरेस्ट है या फिर उनका जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग ही क्या है सेलेक्ट की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ द एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तभी क्या है यूज़फुल होगा जब उसमें स्टूडेंट्स का क्या है एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा और वो क्या है उसमें इंगेज होएंगे। अगर मान लो ऐसा हम टीचिंग की बात करते हैं, अगर टीचर आके खाली लेक्चर देके लाइन टू लाइन पढ़ के चले जा रहे हैं तो, और स्टूडेंट्स क्या है ना अपना कोई क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं ना कोई डाउट्स रख पा रहे हैं, यानी कि वो उसमें इन्वॉल्व भी नहीं हो पा रहे, उनका कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन ही नहीं हो पा रहा, तो ऐसी टीचिंग है वो क्या है टोटली इन इफेक्टिव हो जाएगी। इसलिए जो क्या है कि टीचिंग इसमें ज़रूरी हो जाता है कि जो स्टूडेंट्स है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, उनकी 100% इन्वॉल्वमेंट है वो होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी आर लर्निंग बाय डूइंग। यानी कि लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए, यानी कि जो स्टूडेंट्स क्या है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए अपने टास्क कंप्लीट करें, और वो कुछ चीज़ें क्या है जिनको वो क्या है कर 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 क्या है वो सीखते हैं। यानी कि एक्टिवली जब वो पार्टिसिपेट करके उन चीज़ों को करते हैं तभी वो टीचिंग क्या है इफ़ेक्टिव मानी जाती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक अप्रोच, और एक आप पॉइंट और ऐड कर सकती हो, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। तो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें आपने टीचिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, और जो इसके क्या है इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स थे
उन सबको क्या है हमने इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो टीचिंग एंड लर्निंग जो आपका पेपर है, तो इसको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगर आप इसको एज इट इज़ लिखोगे तो आपका बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा।